सौतेली माँ और जादुई नदी। बहुत समय पहले की बात है, रूपनगर में रूपा और रोहन दो भाई बहन अपनी सौतेली माँ गोमती और सौतेली बहन सुलेखा के साथ रहते थे। रूपा दिखने में बहुत ही सुंदर थी, वहीं सुलेखा ना दिखने में अच्छी थी और ना ही उसका व्यवहार अच्छा था। गोमती और सुलेखा रूपा और रोहन पर खूब अत्याचार करते, उन्हें खूब परेशान करते थे। सौतेली माँ और अपनी सौतेली बहन के इस अत्याचार से परेशान होकर रूपा और रोहन एक रात घर से भाग जाते हैं और एक जंगल में पहुंच जाते हैं। गोमती को जब इस बात का पता चलता है तब वो अपने जादुई कटोरी में देखती है कि दोनों कहाँ गए। तभी उसे दोनों एक जंगल में सोए हुए दिखाई देते हैं। चलो अच्छा ही हुआ बाला टली, दोनों खुद ब खुद जंगल में पहुंच गए, जंगली जानवर का शिकार होंगे। चल मेरे जादू दिखा कमाल, अगर ये दोनों इस जंगल के किसी भी नदी से पानी पिए तो ये जानवर में बदल जाए। इधर दोनों भाई बहन की जब नींद खुलती है तब वो अपने आप को एक जंगल में पाते हैं। अच्छा हुआ भैया हम वहाँ से भाग गए, वरना हमारी सौतेली माँ तो हमें मार ही डालती। हाँ हाँ बहन तुम सही बोल रही हो, अब हम यही रहेंगे। चलते चलते रोहन को एक नदी दिखाई देता है और वो उस नदी का पानी पीने के लिए आगे बढ़ता है। तभी एक आवाज आती है, ए लड़के रुक जाओ, अगर तुमने इस नदी का पानी पिया तो तुम एक जानवर में बदल जाओगे। भैया मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, आप इस नदी का पानी मत पीना। ठीक है बहना। इतना बोलकर दोनों आगे बढ़ते हैं। काफी दूर चलने के बाद उन्हें आगे कोई नदी तालाब नहीं दिखाई देता है। रोहन को बहुत तेज प्यास लग रही थी, तभी उसे एक और नदी दिखाई देती है। बहन मुझे बहुत प्यास लग रही है, मैं अब बिना पानी पिए नहीं रह सकता, मैं इस नदी का पानी पीने जा रहा हूँ। रुक जाओ बालक, इस नदी का पानी पीते ही तुम एक जानवर में बदल जाओगे। लेकिन रोहन नदी की बात नहीं सुनता और वो उस नदी का पानी पी लेता है। पानी पीते ही वो एक हिरण में बदल जाता है। भैया ये क्या हो गया भैया? मुझे माफ कर दे बहना, मुझे बहुत प्यास लग रही थी। भैया मुझे बहुत डर लग रहा है, इस जंगल के जंगली जानवर कहीं आपको नुकसान ना पहुंचाए, मेरे साथ ही रहना भैया। तभी रूपा की नज़र जंगल में बनी एक झोपड़ी पर जाती है। रूपा अपने भाई हिरण के साथ झोपड़ी में जाती है, वहाँ कोई नहीं होता। वो उस झोपड़ी की अच्छे से सफाई करके उसी में रहने का फैसला करती है। भैया आप यहीं रुको, मैं आपके और अपने लिए जंगल से कुछ फल और घास लेकर आती हूँ। रूपा जंगल में फल तोड़ रही थी, तभी उधर से राजकुमार कर्मवीर जा रहा होता है और उसके नजर अचानक रूपा पर चली जाती है। वो रूपा को देखते ही उस पर मोहित हो जाता है और उसके पास जाकर बोलता है, हे सुंदरी तुम कौन हो और इस घने जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो? फिर रूपा राजकुमार कर्मवीर को अपनी सारी घटना बताती है। ये सुनकर कर्मवीर को उस पर दया आ जाता है, वो बोलता है, रूपा तुम बहुत खूबसूरत हो, जैसे कोई स्वर्ग की अप्सरा हो, तुम्हारा इस तरह जंगल में रहना ठीक नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं राजकुमार? यही कि मुझे आपसे प्रेम हो गया है, क्या आप मुझसे शादी करोगी? ठीक है, पास ही मेरी झोपड़ी है, आप वहाँ चले, मैं अपने भैया से पूछकर आपको बताती हूँ। फिर रूपा अपने भाई रोहन को ये सारी बातें बताती है। रोहन ये सारी बातें सुनकर खुशी से अपना सर हिलाते हुए हाँ करता है और बोलता है, यह तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप मेरे बहन रूपा से शादी करना चाहते हैं। हमारे लिए इससे बढ़कर खुशी की और क्या बात हो सकती है, हमें यह रिश्ता मंजूर है। कर्मवीर अपने साथ दोनों को अपने महल ले आता है और बड़े ही धूमधाम से कर्मवीर और रूपा की शादी हो जाती है। सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।
इधर गोमती अपनी जादुई कटोरी में फिर से रूपा और रोहन के बारे में पता करती है। गोमती रूपा को राजकुमारी बने देख दंग रह जाती है। वो देखती है कि रूपा राजकुमारी बन ठाट से अपनी जिंदगी बिता रही है और उसका भाई रोहन हिरण बना हुआ है जो रूपा के गार्डन में ही हरी हरी घास खा रहा था। ये क्या, ये रूपा तो राजकुमारी बन गई है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगी। और फिर गोमती अपनी बेटी सुलेखा को लेकर एक रात महल में जाती है। वो अपनी जादू से रूपा को बेहोश कर देती है और फिर सुलेखा को अपनी जादू से रूपा बनाकर बोलती है, सुलेखा अब से तुम्हें रूपा की जगह इस महल में राजकुमारी बनकर रहना है। इतना बोलकर गोमती रूपा को उसी जंगल में छोड़ आती है। सुबह होने पर जब रोहन अपनी बहन के कक्ष में आता है, बहना तुम उठ गई? अरे ये हिरण इस महल में कहाँ से आ गया, चल भाग यहाँ से। अरे आखिर रूपा को क्या हो गया है, वह मुझे पहचान क्यों नहीं रही? रोहन उदास मन से बाहर चला जाता है लेकिन उसका मन नहीं मानता। वो दोबारा अपनी बहन के कमरे में जाता है। तब रोहन अपनी सौतेली माँ और सुलेखा को आपस में बात करते सुन लेता है और सारा माजरा समझ जाता है। अच्छा तो यह डैन यहाँ भी हमारा पीछा करते करते पहुँच गई है, और यह क्या, यह तो मेरी बहन रूपा को जंगल में मरने के लिए छोड़ आई है, मुझे किसी भी तरह रूपा की जान बचानी होगी। इतना सोच रोहन रूपा को ढूंढने जंगल की तरफ निकल पड़ता है लेकिन उसे रूपा कहीं नहीं मिलती। रूपा रूपा, बहना तुम कहाँ हो, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिलता है। बहुत ढूंढने के बाद उसे जंगल में एक साधु दिखाई देते हैं। वो उनके पास जाता है और उनसे विनती करता है, बाबा प्लीज आप मेरी मदद करें, मुझे मेरी बहन नहीं मिल रही है, कृपया आप उसे ढूंढने में मेरी मदद करें। मुझे पता है बच्चा कि तेरी बहन कहाँ है, और मुझे यह भी पता है कि तुम्हारी यह हालत तुम्हारी वह सौतेली माँ ने किया है। बाबा आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, फिर आप कुछ उपाय क्यों नहीं बताते? यहाँ से दक्षिण की ओर निकल जाओ, वही तुम्हारी बहन तुम्हें मिलेगी, और यह लो यह जादुई नदी का पानी है, इसे अपने सौतेली माँ के ऊपर छिड़क देना, जिससे उसकी सारी जादुई शक्तियाँ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। रोहन बाबा से विदा लेकर अपने बहन रूपा के पास पहुंचता है। रूपा मेरी बहन मैं आ गया हूँ, तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर दोनों भाई बहन वहाँ से अपने महल वापस आते हैं। महल में आकर वो सारी बातें राजकुमार कर्मवीर को बताता है। कर्म भी रूपा को देखते ही पहचान जाता है। अच्छा तो यह माजरा है, तभी मैं सोचूं अचानक से रूपा का व्यवहार इतना कैसे बदल गया, मैं इस माँ बेटी को अब नहीं छोड़ूंगा। फिर कर्मवीर अपने सारे सैनिकों को बुलाता है। सैनिकों उस भवरूपिया माँ बेटी को मेरे सामने पेश किया जाए। कुछ ही देर बाद सैनिक उस माँ बेटी को राजकुमार के सामने पेश करते हैं। गोमती रूपा को राजकुमार के साथ देख समझ जाती है कि राजकुमार को सब कुछ पता चल चुका है। तुम क्या मुझे सजा दोगे? सजा तो मैं तुम लोगों को दूंगी। इतना बोलकर गोमती जैसे ही अपना जादू करने वाली होती है तभी रूपा बिना समय गवाए साधु द्वारा दिए गए जल गोमती पर छिड़क देती है। जल छिड़कते ही गोमती का सारा जादू खत्म हो जाता है और वो कुछ नहीं कर पाती है। गोमती का जादू खत्म होते ही रोहन हिरण से अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। उसके बाद राजकुमार कर्मवीर सैनिक से बोलकर उन दोनों माँ बेटी को कारागार में बंद करवा देते हैं। उन दोनों माँ बेटी को अपने किए की सजा मिल जाती है और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में सोनम अपने बुआ फूफा के साथ रहती थी। सोनम के माँ बाप का कुछ वर्षों पहले ही निधन हो चुका था।
सोनम की अच्छी परवरिश के लिए सोनम के फूफा जी सोनम को अपने साथ अपने घर ले आए थे, लेकिन सोनम की बुआ सोनम को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वे सोनम से पूरा दिन घर का काम कराती और पूरा दिन ताने दे देकर उसको खूब सताती और तो और बदले में भरपेट खाना भी नहीं देती थी। सोनम की बुआ संगीता की अपनी एक बेटी थी रानी। एक दिन संगीता और रानी कहीं बाहर पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी रानी तरह तरह के डिजाइनर फ्रॉक पहनकर ट्राई कर रही थी। उसी में एक पिंक कलर का बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक था। रानी के पास इतने सारे सुंदर और चमकदार फ्रॉक देखकर सोनम का दिल भी फ्रॉक पहनने का करने लगा। वो रानी से एक पुरानी फ्रॉक मांगती है। रानी, तुम्हारे पास तो कितने अच्छे अच्छे फ्रॉक हैं। मुझे भी एक पुराना फ्रॉक दे दो ना। हाँ, मेरे पास एक से बढ़कर एक ब्रांडेड फ्रॉक है, पर तुझे उसे क्या लेना देना। तू अपने औकात भूल गई है क्या। तो इस घर के नौकरानी से ज्यादा और कुछ नहीं है। जब देखो मुंह उठा के मेरा सामान मांगने चली आती है। चल अब जा यहाँ से, मेरा तो पूरा मूड ही खराब कर दिया। रानी सोनम को सुना ही रही होती है, तभी वहाँ पर सज धज कर रानी की माँ संगीता भी आ जाती है। क्या हुआ मेरी रानी बेटी, किसी ने कुछ कहा है क्या तुझे। ये सोनम पता नहीं क्यों जब देखो मेरा मूड खराब करने चली आती है। ये मुझसे मेरी महंगी ब्रांडेड वाली फ्रॉक मांग रही थी, पर मैंने इसे अच्छे तरीके से समझा दिया कि तो इस घर के नौकरानी से ज्यादा और कुछ नहीं है। क्यों रे कलमुही, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी से उसके ब्रांडेड महंगी फ्रॉक मांगने की। घर का एक काम तो तेरे से ढंग से होता नहीं है और फ्रॉक पहनेगी। चल जा, जाकर घर का सफाई कर। देखो तो फर्श कितना गंदा है, लगता है कामचोर झाड़ू लगाने के बाद पोछा नहीं लगाती। पोछा कौन तेरी मरी हुई माँ आएगी लगाने के लिए। घर साफ हो जाने के बाद सारे बर्तन भी साफ कर लेना, गंदे पड़े हैं। चल अब जा यहाँ से, हम दोनों बाहर पार्टी में जा रहे हैं। कल का बचा हुआ खाना फ्रिज में रखा होगा, वहीं खा लेना। इतना बोलकर दोनों पार्टी में चले जाते हैं। इधर सोनम अपनी बुआ और रानी की खरी खोटी सुनकर बहुत दुखी होती है और वहाँ से चुपचाप जाकर अपने काम में लग जाती है। सोनम अपना सारा काम खत्म करके कल का बचा खाना खाकर अपने कमरे में अपनी माँ की तस्वीर देखकर तेज तेज रोने लगती है और माँ को याद कर कर कहती है, माँ पिताजी तुम दोनों मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए। जब आप दोनों मेरे साथ थे मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं थी। जब आप दोनों मेरे साथ थे तब मेरी छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी होती थी और अब तो मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं होती, बल्कि मेरे से पूरे दिन काम करवाया जाता है और बदले में ताने भी मिलते हैं। मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे भी अपने पास बुला लो। अब मुझे इस दुनिया में रहकर कुछ नहीं करना, मुझे आपके पास ही रहना है बस। सोनम ऐसा कहकर रो ही रही होती है कि तभी सोनम को एक आवाज सुनाई देती है, सोनम बेटा। सोनम इधर उधर देखती है, वो आवाज और कहीं से नहीं बल्कि सोनम के माता पिता की तस्वीर से आती है। सोनम की माँ सोनम से कहती है, सोनम मेरी प्यारी बच्ची तो इस तरह रो मत, मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जाती। माँ आप तस्वीर से बोल रही हो, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ मेरी प्यारी बेटी, मैं तेरी माँ हूँ और मैं सब जानती हूँ कि तू कितना दुखी है। मेरी प्यारी बेटी पर संगीता और रानी कितना अत्याचार करती है, लेकिन अब मैं ये सब होते हुए और नहीं देख सकती। मैं तुझे एक ऐसी जगह बताती हूँ जहाँ जाकर तेरी हर एक इच्छा पूरी हो जाएगी। ऐसी कौन सी जगह है माँ, आप मुझे कहाँ भेजना चाहती हैं जहाँ मेरी हर एक इच्छा पूरी हो जाएगी। सुनो सोनम बेटा, इस गांव से बहुत दूर एक कुआं है, वहीं उस कुएं के पास जाकर तुम अपनी इच्छा बताना, वो उस काम में तुम्हारी अवश्य मदद करेगा।
ये सुनकर सोनम अपने आंसू पोंछकर उस कुएं से मदद मांगने चली जाती है। वो कुएं के पास खड़ी होकर कुएं से कहती है, हे जादुई कुएं, मुझे भी सुंदर सुंदर फ्रॉक चाहिए ताकि मैं भी रानी की तरह सुंदर दिख सकूं। सोनम के इतना कहते ही जादुई कुएं से सुंदर सुंदर फ्रॉक बाहर आ जाता है, जिन्हें देखकर सोनम बहुत खुश होती है और उस जादुई कुएं को धन्यवाद कहती है। पर सोनम बेटा, यह याद रखना, यह कोई मामूली फ्रॉक नहीं है, बल्कि यह जादुई फ्रॉक है। इसे पहनते ही तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की में बदल जाओगी और तुम इस फ्रॉक को पहनकर जो भी काम करोगी वह चुटकियों में हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यह साधारण से दिखने वाली जादुई फ्रॉक केवल ईमानदार एवं जरूरतमंदों पर ही अपना जादू दिखाता है। यह जादुई फ्रॉक गलती से भी किसी लालची लोगों के हाथ में नहीं आना चाहिए, नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा। ठीक है जादुई कुआं, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। इतना कहकर सोनम सभी जादुई फ्रॉक अपने साथ अपने घर ले आती है और वो जैसे ही फ्रॉक पहनकर देखती है तो वो पहले से भी अधिक सुंदर हो जाती है। तभी बाहर से संगीता और उसकी बेटी रानी घर आ जाती है। सोनम को देखकर वे लोग चौंक जाते हैं कि सोनम के पास इतनी सुंदर फ्रॉक कहाँ से आई। तभी रानी अपनी माँ से कहती है, माँ, इतनी सुंदर फ्रॉक सोनम के पास कहाँ से आई? मुझे भी ऐसे ही सुंदर सुंदर फ्रॉक चाहिए। सुंदर फ्रॉक सिर्फ मैं ही पहनना चाहती हूँ। सोनम मुझसे सुंदर कैसे लग सकती है माँ? मुझे वही फ्रॉक चाहिए जो सोनम ने पहन रखी है। तभी संगीता सोनम पर चिल्लाते हुए कहती है, इतनी बन ठन कर तू कहाँ जा रही है? चुपचाप घर पर रह। और क्या तुझे पता नहीं कि कल तेरे फूफा जी शहर से आ रहे हैं? इसलिए पूरे घर की अच्छे से सफाई कर दे, समझ गई? तभी रानी कहती है, देखो तो माँ, इसने कितनी सुंदर फ्रॉक पहन रखी है। जरूर इसने ये फ्रॉक चुराए हुए पैसों से खरीदी होगी माँ। इससे पूछो कि उसके पास ये फ्रॉक कहाँ से आए। नहीं नहीं रानी, मैं अपनी माँ का बक्सा खोलकर देख रही थी, उसी में ये फ्रॉक मुझे मिली। सोनम बुआ जी से झूठ बोल देती है और घर का काम करने चली जाती है। सोनम ने जादुई फ्रॉक पहन रखी थी, इसलिए उसका काम अपने आप हो जाता है। रानी अपनी माँ संगीता से कहती है, देखिए ना माँ, इसकी माँ के कितनी अच्छी अच्छी फ्रॉक है। मुझे भी चाहिए वो फ्रॉक। कितनी सुंदर फ्रॉक है जो इस नौकरानी ने पहन रखी है। मुझे इस नौकरानी की सारी फ्रॉक चाहिए। मैं नहीं चाहती कि आपकी बेटी इस नौकरानी से कम सुंदर दिखे। कोई बात नहीं मेरी प्यारी बेटी, अगर तुझे उस नौकरानी की फ्रॉक चाहिए तो अभी मैं उसे मांग कर ला देती हूँ। मैं अपनी बेटी को इस तरह उदास नहीं देख सकती। उस कलमोही की इतनी औकात नहीं कि वो मेरी बेटी से ज्यादा सुंदर दिखे। इतना कहकर वो सोनम के पास चली जाती है और कहती है, ओ महारानी, तेरी स्वर्गवासी माँ के सभी फ्रॉक कहाँ रखी है? मुझे दे दे। सोनम अपनी बुआ की बातों को सुनकर घबरा जाती है और याद करती है कि जादुई कुआं ने कहा था कि वो किसी लालची आदमी के हाथ ना पड़े, नहीं तो बहुत बुरा होगा। वो अपनी बुआ का लालच पहचानती थी। सोनम अपनी बुआ को मना कर देती है, बुआ, आप मुझे चाहे कितना भी मार ले पर मैं वो फ्रॉक आपको नहीं दूंगी, क्योंकि वो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। ये सुनकर संगीता को गुस्सा आ जाता है और वो सोनम की बहुत पिटाई करती है, लेकिन सोनम अपनी बुआ संगीता को वो फ्रॉक नहीं देती, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि अगर फ्रॉक संगीता या रानी के पास पहुंच गई तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। रात हो जाने के बाद जब सोनम सो जाती है तो संगीता अपनी बेटी के लिए वो जादुई फ्रॉक चुराने के लिए सोनम के कमरे में चली जाती है। सोनम ने बहुत ही संभाल कर वो फ्रॉक रख रखी थी, लेकिन संगीता बहुत ही लालची औरत थी। वो फ्रॉक ढूंढ लेती है और ले जाकर अपनी बेटी रानी को दे देती है। ले मेरी रानी बेटी, तेरी पसंद की फ्रॉक उस कलमोही ने बड़े ही सावधानी से छुपा कर रखा था। बहुत मुश्किल से ढूंढ कर लाई हूँ। रानी बहुत ही खुशी से वो फ्रॉक पहन लेती है
और जैसे ही वो फ्रॉक पहनती है उसके पूरे शरीर में खुजली होने लगती है। रानी चिल्लाने लगती है, माँ इस फ्रॉक को उतारो, मेरे पूरे शरीर पर खुजली हो रही है, मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा, ये कैसी फ्रॉक है जिसकी वजह से मेरे पूरे शरीर में खुजली होने लग रही है। संगीता पूरी कोशिश करती है ये जादुई फ्रॉक उतारने की, परंतु फ्रॉक अब नहीं उतरती। संगीता भागकर सोनम को बुलाती है, ये कैसी फ्रॉक है तेरी माँ की जिसके कारण मेरी बेटी के पूरे शरीर पर खुजली हो गई और उसका शरीर लाल पड़ गया। बुआ आपने ये कैसा अनर्थ कर दिया, ये कोई मामूली फ्रॉक नहीं है, ये जादुई फ्रॉक है। जादुई फ्रॉक, लेकिन तुम तो बता रही थी कि ये तुम्हारी माँ की है। सोनम अपनी बुआ को सारी हकीकत बता देती है कि किस तरह उसके स्वर्गवासी माँ ने उसको एक जादुई कुएं के पास भेजा था जहाँ से वो ये जादुई फ्रॉक लेकर आई थी। संगीता सच्चाई जानने के बाद अपने किए पर बहुत पछताती है और सोनम से कहती है, सोनम मेरी बच्ची मुझे माफ कर दो, मैंने तेरे साथ कितना गलत व्यवहार किया, लेकिन तो हम माँ बेटी की सच्चाई जानती थी कि हम कितने लालची है, इसलिए तू हमें जादुई फ्रॉक नहीं दे रही थी ना, मुझे माफ कर दो, आज से तू मेरी बेटी है, आज से मेरी एक बेटी नहीं बल्कि दो दो सगी बेटियां हैं। संगीता के इतना कहते ही रानी के शरीर की खुजली मिट जाती है और सोनम जादुई कुएं की जादुई फ्रॉक की वजह से अपनी बुआ के दिल में जगह बना लेती है। अब सोनम बहुत खुशी खुशी अपनी बुआ संगीता और रानी के साथ रहने लगती है। जनकपुरी में रोहिणी और सौरभ अपनी माँ के साथ रहते थे। सौरभ जब बहुत छोटा था तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। उसकी माँ जानकी दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह अपने घर का गुजारा किया करती थी। एक बार की बात है, जानकी अचानक बहुत बीमार पड़ गई। समय से इलाज ना मिलने की वजह से एक दिन उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब सौरभ और रोहिणी बिल्कुल अकेले रह गए, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। दीदी दीदी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। ठीक है भाई, मैं तेरे लिए अभी खाना लेकर आती हूँ। जब रोहिणी रसोई में जाकर देखती है तो सारे बर्तन खाली पड़े थे, घर में अन्न का एक दाना तक नहीं था। क्या करूँ, खाना तो है ही नहीं, सौरभ ने दो दिनों से कुछ नहीं खाया, अब मैं उसके लिए खाना कहाँ से लाऊं? तभी वो अपनी चाची के घर जाती है। चाची चाची मुझे कुछ खाने को दे दो, मेरा भाई बहुत भूखा है। उसके चाची उस पर तरस खाकर उसे घर का बचा हुआ बासी खाना दे देती है। इसी तरह रोहिणी लोगों से मांगकर किसी तरह अपना और अपने भाई का पेट भर रही होती है। तभी एक दिन उसके चाची का बेटा आर्यन आइसक्रीम खा रहा था। आर्यन को आइसक्रीम खाता देख सौरभ अपने दीदी से बोलता है, दीदी दीदी मुझे भी यह खाना है, मुझे भी यह दिलाओ ना, मेरा बहुत खाने का मन कर रहा है, प्लीज दीदी, देखने में यह कितना स्वादिष्ट मालूम पड़ता है, मैंने यह कभी नहीं खाया है, दिला दो ना दीदी। अपने भाई की आइसक्रीम खाने की लालसा देख रोहिणी का दिल पसीज जाता है और वो अपने चाची के पास जाती है। चाची चाची मुझे 10 रुपए दे दो ना, मेरे भाई को आइसक्रीम खानी है, प्लीज चाची। तुझे जरा भी शर्म नहीं आती, एक तो बेशर्म की तरह मुंह उठाकर खाना मांगने पहुंच जाती है, ऊपर से फरमाइश तो देखो महारानी की, आइसक्रीम खाना है। अरे इतना ही शौक है तो कुछ काम धंधा क्यों नहीं करती, पैसे कोई पेड़ पर नहीं होते जो तुझ पर मैं यूं पैसे लुटाऊं, कोई पैसे नहीं है, चल भाग यहां से। काम चाची, फिर मुझे कहीं काम ही दिलवा दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी चाची। तभी उसके चाची को याद आता है, मेरी बहन रेशमा को नौकरानी की जरूरत थी, क्यों ना मैं इस लड़की को उसके यहाँ काम पर लगा दूँ, उसको फ्री फंड का एक काम वाली भी मिल जाएगी और इस भिकारण को तो उसे ज्यादा पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, हाँ ये सही रहेगा। ऐसा सोचकर उसकी चाची रोहिणी से कहती है, ए लड़की सुन, तुझे काम चाहिए ना, तूने मेरी बहन रेशमा का घर तो देखा है, उसे एक नौकरानी की जरूरत है,
तो उसके यहाँ काम करेगी, फिर मैं तुझे और तेरे भाई दोनों को आइसक्रीम दिलाऊंगी। क्या सच में चाची? और क्या, सच बोल रही हूँ। चल अब तुझे आइसक्रीम खिलाऊं। रोहिणी एक आइसक्रीम के बदले अपनी चाची की बहन रेशमा के घर काम करने को तैयार हो जाती है। रेशमा भी बहुत दुष्ट औरत थी, वो रोहिणी से घर का सारा काम करवाती है और बदले में उसे और उसके भाई को दो वक्त की रूखी सूखी रोटी खाने को देती है। लेकिन रोहिणी और सौरभ दो वक्त की रोटी में ही खुश थे। कुछ दिनों बाद राखी का त्योहार आने वाला था। सौरभ गली में खेल रहा था, तभी वहाँ कुछ लड़के आपस में बात कर रहे थे। अरे भाई, दो दिन बाद तो रक्षाबंधन है, तो इस बार तुम सब अपनी बहनों को क्या गिफ्ट दे रहे हो? भाई, मैं तो अपनी बहन को वीडियो गेम गिफ्ट कर रहा हूँ, और तू क्या दे रहा है अपनी बहन को? मैं तो अपनी बहन को घड़ी गिफ्ट करूँगा। सौरभ वहीं उन लोगों की बातें सुन रहा था। घर आकर वो अपनी बहन से बोलता है, दीदी ये रक्षाबंधन क्या होता है? रक्षाबंधन भाई बहन का सबसे खास त्योहार होता है। इस दिन बहन अपने भाई की लंबी उम्र और सलामती के लिए उसके कलाई पर राखी बांधती है और भाई अपनी बहन की जीवन भर रक्षा करने का वचन देता है। पर दीदी, आपने तो कभी मुझे राखी नहीं बांधी। दीदी आप मेरे लिए भी राखी लेकर आओ ना, मुझे भी यह त्योहार मनाना है। हाँ भाई, क्यों नहीं, मैं तेरी हर ख्वाहिश को पूरी करूँगी। तभी रेशमा वहाँ आती है। तुम दोनों भाई बहन यहाँ क्या बातें कर रहे हो? कुछ नहीं आंटी। अच्छा सुन, दो दिन बाद रक्षाबंधन है, तो मैं अपने भाई के घर जा रही हूँ। अभी कुछ दिन वहीं रहूँगी, तो तुझे अभी यहाँ आने की जरूरत नहीं है। आंटी एक बात कहूँ, दो दिन बाद रक्षाबंधन है, मुझे आप कुछ पैसे दे देती तो मैं भी अपने भाई के लिए राखी ले आती। तुझे शर्म नहीं आती पैसे मांगते हुए? एक तो तुम दोनों को मुफ्त में खाने को दे रही हूँ, वो कम है जो अब तुझे अलग से पैसे भी चाहिए? कोई जरूरत नहीं है तुझे अब मेरे यहाँ काम करने की, चल भाग यहाँ से। इतना बोलकर रेशमा रोहिणी और सौरभ को अपने घर से निकाल देती है। रोहिणी बहुत ही दुखी मन से अपने घर आ जाती है। आज रक्षाबंधन का त्योहार था। दीदी दीदी, आज तो रक्षाबंधन है और आप इतनी उदास हो। दीदी मुझे कुछ नहीं चाहिए। सब समझती हूँ भाई, मैं तेरी बड़ी बहन होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ आज रक्षाबंधन जरूर मनाऊंगी। इतना बोलकर रोहिणी घर से निकल जंगल में चली जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर खूब रोती है। माँ, आप मुझे इस जालिम दुनिया में अकेले छोड़कर क्यों चली गई? माँ मैं तेरे बिना बहुत अकेली हो गई हूँ। माँ मुझे तेरी बहुत याद आ रही है। रोहिणी को रोते देख मोना परी को उस पर बहुत दया आ जाती है और वो रोहिणी से बोलती है, लड़की तुम इस जंगल में अकेली क्यों रो रही हो? मेरी किस्मत में तो रोना ही लिखा है परी जी। फिर रोहिणी परी को सारी बात बताती है। रोहिणी की बातें सुनकर परी को उस पर बहुत दया आ जाती है और वो रोहिणी से बोलती है, रोहिणी आज खुशियों का त्योहार है, ऐसे उदास नहीं होते। ये लो, ये राखी मेरी तरफ से तुम्हारे भाई के लिए तोहफा है। ये कोई मामूली राखी नहीं बल्कि जादुई राखी है। अब से तुम्हें किसी के भी सामने हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम खुशी खुशी घर जाओ, सब ठीक हो जाएगा। रोहिणी परी का धन्यवाद कर खुशी खुशी घर आती है और तैयार होकर अपने भाई की कलाई पर वो जादुई राखी बांधती है। राखी बांधते ही उसके सामने तरह तरह के मिठाइयाँ और खाने की सामग्री अपने आप आ जाता है। अरे वाह दीदी, यह सब मेरे लिए, आप बहुत अच्छे हो। दीदी यह राखी भी बहुत प्यारी है, मैं इसे हमेशा अपने पास रखूँगा। हाँ मेरे भाई, इसे हमेशा पहन कर रखना, ये मामूली राखी नहीं बल्कि जादुई राखी है, तो तुम इसे जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। क्या सच में? राखी राखी, मेरी बहन के लिए एक बहुत ही सुंदर सा फ्रॉक दिलाओ। तभी एक सुंदर सा फ्रॉक वहाँ आ जाता है। यह लो दीदी, यह प्यारी सी फ्रॉक, आपकी राखी का तोहफा।
और फिर दोनों भाई बहन उस जादुई राखी की मदद से अपने लिए बढ़िया सा घर बनाते हैं और फिर खुशी खुशी दोनों रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।